एक संत महात्मा ने भक्त कमला को कैसे करते हैं उधार, इस कहानी के माध्यम से सुनिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूं तथा छोटे बच्चों को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं एक ऐसा कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि एक संत महात्मा ने एक भक्त कमला की कैसे करते हैं उधार। चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल घंटी उसका दबाकर ऑल करिए ताकि जो भी इस तरह का कहानी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक संत महात्मा ने डफली बजाते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। डफली बजाते हुए जाते हैं और घर घर पर जाते हैं और डफली बजाते हुए कहते हैं, सीतारामा 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 जपाए बटोहिया। और डफली बजाते हुए हरेक घर में जाते हैं, हरेक दरवाजे पर जाते हैं और जो घर से जो भी चीज मिल जाता है अपने झोली में वह संत महात्मा ने रख लेते हैं। डफली बजाते बजाते एक कमला की दरवाजे पर पहुंचते हैं। कमला नाम की महिला थी, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसी कमला घर में थी, वह जैसी डफली को बात सुनती है, घर से बाहर निकलती है, देखती है कि हमारे दरवाजा पर एक संत महात्मा ने आए हैं। वह संत महात्मा के चरणों में आके गिर जाती है और कहती है, बाबा हे बाबा, चलिए जरा हमारे घर पर, जरा चलिए अपने संत महात्मा से वह गुजारिश करती है कि हे महात्मा, चलिए जरा हमारे घर पर चलिए। वह कमला की बात सुनकर के महात्मा उनके घर पर जाते हैं। जब घर पर जाते हैं तो उनको बैठाते हैं, खटिया पर बैठाते हैं, बैठा करके आदर सत्कार वह कमला ने करती है। तब वह संत महात्मा बाबा बोलते हैं कि हे बच्ची, अगर तुम्हारे पास जो भी खाने के लिए है जो हमको भोजन करा दीजिए। जो उसके पास कमला के पास भोजन थी वह बाबा को भोजन कराती है। बाबा प्रेम से भोजन करते हैं। खाना खाने के बाद वह कमला ने सारी बात बाबा से बताती है कि बाबा, हमारे पति को स्वर्गवास किए हुए 4 साल हो गया है, हमारे पास एक बच्चा है, एक बच्ची है, मैं किसी तरह से यह सिलाई का काम करता हूं, उसी से अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा हूं, किस तरह अपना जीवन गुजारा कर रहा हूं। तब महात्मा ने बोलते हैं, ठीक है बच्ची। उसके बाद महात्मा बोलते हैं, संत महात्मा ने बोलते हैं, बच्ची हमें जा रहा हूं, जो भी देना है आप दे दीजिए। वह बेचारी के पास जो भी था थोड़ा बहुत अन्न ला करके बाबा को दे देते हैं। वह बाबा अपना झोली में रख लेते हैं। रखने के बाद जाने लगते हैं और बच्ची को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बच्ची, तुम खुशहाल रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चे भी खुशहाल रहेगा और जो तू सुबह उठेगी, जो काम में आप करने के लिए बैठोगी, करना शुरू करेगी, सबसे पहले जो काम में नजोगी वह काम दिन भर करते रहोगी। वह कह करके साधु महात्मा ने वहां से चल देते हैं। जब साधु महात्मा चल देते हैं तो शाम के एक सीता नाम की एक महिला उस उनके कमला के घर से 10 घर आव आगे के थे। वह शाम होता है, बेडूर होता है, तो यह कमला ने अपने बाल बच्चों के साथ खाना खा रही थी। तो वह सीता नाम की जो महिला थी आई कपड़ा लेकर के और कही कि बहन, हमको सुबह मायके के यहाँ जाना है, हमको सुबह में कपड़ा सी करके दे देना है, हर रात में कल हमको मायके के यहाँ जाना है। वह कहते, ठीक है बहन, मैं आपको तैयारी कर दूंगा कपड़ा का। वह कपड़ा रख लेती है। रखने के बाद जब सुबह उठती है
और वह कमला ने इंची टिप लेता है और इंची टिप से कपड़ा को नापना शुरू करता है। जैसी नापता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, इस तरह से नापते हुए जा रहा है, कपड़ा घटने के नाम नहीं ले रहा और कमला को हाथ भी नहीं रुक रहा है। बच्चा दोनों था, एक बच्चा एक बच्ची थे, वह कपड़ा को सरियाने में लग रहा था और यह कमला जो नापने में लगा हुआ था नाप रही था, कपड़ा घट नहीं रहा था। नापते नापते वह शाम हो गया, कपड़ा को पूरा घर में कपड़ा से भर गया तो पर भी घटने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे बेड डूबता है वह कपड़ा ढेर भर जाता है। जब यह बात को पूरे गांव में प्रचार हो जाता है, पूरे बाजार में प्रचार हो जाता है, ये कमला नाम की महिला है, उसके घर में कपड़ा का भंडार हो गया है। ये सुनता है तो कपड़ा का जो व्यापारी था वह अपने लेबर को लेकर के आता है, अपने मैनेजर को लेकर के आता है और आने के बाद कपड़ा को देखता है तो कपड़ा उसे प्रसन्न पड़ जाता है, उस कमला को ढेर पैसा देता है और कपड़ा को सारा कपड़ा को किन लेता है। वह व्यापारी ने जब कपड़ा किन लेता है, किनने के बाद वह चले जाता है, इतना पैसा देता है उसको कि उसको पूरे दोनों बाल बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकता है, अच्छा से अपना प्रवृत्ति को चला सकता है, इतना उसको पैसा दिया। और उसी को, उसी कमला नाम को महिला का एक सहेली थी, उसी गांव का थी, इस बात को पता चला, वह पूछा, बहन यह कपड़ा आपके यहां इतना कैसे आया? उसने बताया कि हमारे गांव में एक संत महात्मा डफरी वाले आए थे, डफरी बजाते हुए आए थे, उस संत महात्मा को बाबा को हमने चरण स्पर्श किए, अपने घर में ले जाकर के भोजन कराए और उसी ने आशीर्वाद दिए तो हमको इतना कपड़ा भर गया। वो सोचा कि हमारे दरवाजा पर भी वह संत महात्मा ने आए थे और हमको, हमने उनको ध्यान से नहीं देखे थे, हमने हमको आशीर्वाद नहीं दिए थे। उसने किया क्या, वह कुछ संपत्ति वाला था, कुछ बड़ा घर का आदमी था, उसने किया कि अपना नौकर को भेज दिया, कहा कि जाओ डफली वाले बाबा जहां भी मिले उनको बुला करके लाइए, हमारे घर पर लाइए। वह नौकर ने खोदते खोदते दूसरे गांव में पहुंच गया। जैसे दूसरा गांव में पहुंचता है तो डफली वाले बाबा को कहता है, हे बाबा हमारे मालकी ने घर पर बुलाए हैं। और बाबा वह नौकर के साथ वह घर पर चले आते हैं। जब चले आते हैं तब जिस तरह से यह कमला ने की थी उसी प्रकार से घर में बैठाया, आदर सत्कार किया, उसके बाद में बाबा को खाना ला को दिया। बाबा खाना वाना खा लिए और पलंग पर सो गए। जब पलंग पर सो गए तो वह महिला थी, इसका सहेली थी, वह अंदर से कमकमाना शुरू कर दिया कि खनऊ खा लिया, जाकर पलंग डटा रहा है, कखनी भाएगा कखनी जाएगा, ये तो पता नहीं कि हमको खाना भी खा लिया अब पलंग पर डटा भी रहा। कुछ आराम करने के बाद वह बाबा उठते हैं और कहते हैं, बच्ची हम जा रहे हैं। तो बच्ची बोलती है कि बाबा हमें कुछ आशीर्वाद नहीं दिए, आप जा रहे हैं बाबा तो क्या आशीर्वाद भी मिलेगा, बच्ची घबराओ मत। कह जाओ बच्ची, जो सुबह में तुम उठेगी, जौन काम तू करना शुरू करेगी वही काम दिन भर करते रहोगी, वही आशीर्वाद ने इसको मिल गया। यह तो मगन हो गया कि अब हम तो फिर धनसेठ बन ही जाएंगे। वह काम कुछ किया कि जाकर बाजार से एक कपड़ा लाया, एक फीता लाया और उसको रख दिया। और उसको रखने के बाद रात भर उसको दिमाग में आते रहा, कखनी सुबह होगा, सखनी सुबह होगा कि हम कपड़ा को नापेंगे। जब सुबह होता है तो यह इसका कमला के सहेली ने क्या करती है कि फीता से कपड़ा जैसी नापने के लिए फीता उठाता है हाथ से, जैसी इसका छींक आ जाता है। अब छींक आ जाता है, एक छींक आया, दो छींक आया, ठीक ठीक करना शुरू कर दिया। अब उसको छींक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
अब तो परेशान हो गया उसका घर का आदमी, परेशान हो गया कि इसका इतना छिड़क हो गया, इसको तो लगता है कोई बीमारी पकड़ गया। उसने गांव के बगल का एक डॉक्टर था, डॉक्टर को बुला के लाया उसका पति ने। उसको डॉक्टर कहा कि इसको दवा कैसे दे, छींक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अगर दवा देते हैं तो छींक से मुंह से दवा फेंका जाएगा, दवा तो खाएगा नहीं, दवा कैसे दे। वह डॉक्टर ने कहा इसको कोई बड़ा डॉक्टर को बुलाना होगा, तब इसका रोगी इसको कंट्रोल होगा। इसका पति ने चले जाता है बड़ा डॉक्टर के पास, बुला के लाता है। तब तक मैंने 3 से 4 बज जाता है, 4 शाम 4 हो जाता है, 4 बज जाता है। और तब तक के लिए ये डॉक्टर आता है, कुछ इधर उधर सुई चू कर करके देने के पक्ष में देते देते इसका समय पूरा हो जाता है। जैसे बेड उठता है छींक अपने आप ऑटोमेटिक छींक रुक जाता है, क्योंकि शाम तक इसको बलान मिला था कि सुबह से शाम तक जो करे हुए करते रहोगे, छींक आया तो छींक करते रहा, और डॉक्टर ने पैसा लेकर के चला जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है, किसी को देख करके लोभ नहीं करना चाहिए, किसी को समान किसी को संपत्ति को देख करके लोभ नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि मन पर काबू रख के बाबू मन महिला के आस करा, मन पर काबू रख के बाबू मन महिला के आस करा, लपका मत हरियरी हो उनकर अपन खेत पर आस करा। ठीक है उनके पास संपत्ति है, भगवान ने उनको संपत्ति को दिया है, आप भी मेहनत कीजिए आपका भी संपत्ति होगा। पराई कमाई देखकर हैरान न हो, खुदा तुझे भी देगा परेशान न हो। दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा आपको मिला। चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।